हेलो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फेस वैल्यू एंड टेस्ट वैल्यू। आपने प्रीवियस क्लास में भी किया हुआ है फेस वैल्यू एंड टेस्ट वैल्यू। चलिए हम अगेन करते हैं, पर आपको अगेन रिवाइज करवाते हैं। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है, देखिए प्लेस वैल्यू क्या होता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, हर जो नंबर दिया होता है उसमें हर जो डिजिट्स होती हैं उनका सबका प्लेस वैल्यू भी होता है और फेस वैल्यू भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक आपको एक नंबर दिया है 625,890। अब मुझे आपसे ये पूछना है, बताना है कि 5 की प्लेस वैल्यू क्या है और 5 की ही फेस वैल्यू क्या है। वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम देखते हैं। देखिए 5 की हमें प्लेस वैल्यू बतानी है, 5 लिखा हमने, उसके बाद हमारे पास कितने, उसके पीछे कितने नंबर्स लेफ्ट हैं, 1, 2, 3। जितने नंबर्स उसके पीछे लेफ्ट होते हैं उतनी हम उसमें क्या लगा देते हैं, जीरोस। और 1 तो लगता ही है, जब हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कुछ भी फाइंड आउट करते हैं तो हम 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 5000। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए प्लेस वैल्यू का, जैसे हमें 2 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब 2 लिखा हमने, उसके पीछे कितने नंबर्स हैं 2 के बाद, 1, 2, 3, 4। तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 2 मल्टीप्लाई बाय कितनी जीरो आएंगी, 1, 2, 3, 4। तो इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 20,000। ऐसे ही हम उसका फेस वैल्यू की बात करते हैं। फेस वैल्यू क्या होता है, जो डिजिट लिखा होता है वो डिजिट इटसेल्फ वो उसका फेस वैल्यू होता है। फॉर एग्जांपल 5 का मैंने फेस वैल्यू पूछा है तो 5 का फेस वैल्यू क्या होगा, 5। अब मैंने पूछा है 2 का फेस वैल्यू तो 2 का फेस वैल्यू क्या होगा, 2। प्लेस वैल्यू में क्या देखते हैं, प्लेस वैल्यू में हम देखते हैं जो नंबर जहां लिखा हुआ है उसके पीछे कितने डिजिट्स, कितने नंबर्स और हैं। जैसे 5 के पीछे 3 नंबर्स हैं तो 3 जीरोस और लिख देंगे तो क्या बन गया ये 5000। और फेस वैल्यू का मतलब होता है जो नंबर जहां है वही नंबर सेम एज इट इज इटसेल्फ, वो उसकी क्या हो जाती है, फेस वैल्यू। नेक्स्ट टॉपिक इज कंपेयरिंग नंबर्स। आपको नेम से ही पता चल रहा है कंपेयर करना मींस हमें ये बताना विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज स्मॉलर एंड विच वन इज इक्वल। इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप देखिए इसका मतलब पुट द साइन ही होता है। पुट द साइन में हम स्मॉलर, ग्रेटर और इक्वल करते हैं, सेम वैसे ही इसमें करना है हमें कंपेयर कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा नंबर है, इस चीज को देखना है। सबसे पहले हमें सबसे फर्स्ट क्या करना होता है, हमें ये काउंट करना होता है कि जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हमारे पास कितनी डिजिट्स हैं। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें 7 डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब फर्स्ट तो आपको मालूम लग ही रहा है कि इसमें 7 डिजिट है और इसमें 6 डिजिट है, विच वन इज ग्रेटर, 7 डिजिट वाला ग्रेटर होता है, तो ये वाला नंबर क्या हो गया हमारा ग्रेटर, 58,25,219 क्या है, ग्रेटर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, नेक्स्ट में अगेन हमें डिजिट्स काउंट करनी है, इसमें क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें कितनी डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए दोनों में डिजिट्स तो सेम है, इसमें मैंने आपको बताया कि सबसे फर्स्ट हमें डिजिट देखना होता है, डिजिट इसमें ज्यादा थी और इसमें कम थी, तो हमारा ये कंपेयर किया तो ये वाला ग्रेटर हो गया। अब इसमें देखिए दोनों की डिजिट्स तो सेम है, बट हमें अब क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें उसका सबसे फर्स्ट देखना होगा इसमें क्या है, ऊपर हम लिखते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, टेन थाउजेंड्स, लैक्स। इसमें क्या है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, टेन थाउजेंड्स, लैक्स। अब हम देखेंगे इसके लैक्स में क्या है, 6, इधर क्या है 6, ये इक्वल है। नेक्स्ट टेन थाउजेंड्स में क्या है, 2, इसमें क्या है 2, यहाँ तक इक्वल है। नेक्स्ट थाउजेंड्स में 5, इसके थाउजेंड्स में भी 5 है, अभी तक हमारा इक्वल आ रहा है। अब हम देखेंगे इसके हंड्रेड्स में क्या है, 7, इसके हंड्रेड्स में क्या है 8। अब देखिए 7 और 8 में से कौन सा ग्रेटर है, 8, तो 625,852 क्या हो गया, ग्रेटर हो गया 625,798 से। इससे हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं, इससे हमें पता चलता है विच वन इज स्मॉलर, विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज इक्वल। ओके, थैंक यू।